प्रदेश सरकार के उत्तर प्रदेश भवन एवं सनिर्माण कर्मकार राज्य परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष रघु राज सिंह की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक सर्किट हाउस के सभागार में संपन्न हुआ। बैठक में रघु राज सिंह ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारियों अपनी दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, लगन एवं ईमानदारी के साथ करें। यदि किसी भी स्तर पर कार्यों के प्रति लापरवाही अथवा अनियमितता पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही तय है। उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले की प्रशंसा की जाएगी, वहीं खराब कार्य करने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने विभाग द्वारा संचालित कार्यों की समीक्षा के दौरान श्रमिक पंजीयन में अपेक्षित प्रगति न पाए जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि शासन द्वारा योजनाएं गरीबों के हित में संचालित की जाती हैं और उसका समय से लाभ पात्र व्यक्ति को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। यदि विभागीय किसी तरह की कोई भी समस्या हो तो उसे शासन के संज्ञान में लाया जाए ताकि उसका त्वरित निस्तारण हो सके। बैठक के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष रघु राज सिंह ने कहा, तो हमारा तो गलती जरूर हो, 19-20, 18-20 हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन 15-20 होगा तो ठीक नहीं होगा। उसका जवाबदेही आपकी होगी, मेरी भी। पटन और एक मिर्जापुर में बाकी सारे मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। बनारस है, परसों अयोध्या है, तो उसके बाद उनको समय दे। हम मध्य प्रदेश में 10 दिन रहा, 10 दिन राजस्थान में रहा, 10 दिन वेस्ट बंगाल में गया। काम करे, दिल खोल के करे, करेगा तो मैं बचा, इतनी गारंटी बनी चाहिए। लेकिन निवेदन इतना ही आप लोगों से, तो जगह कई जगह मैंने पकड़ा है तो ठीक है। इस समय हमारी 15 योजनाएं संचालित हैं। नंबर एक है मातृ हितलाभ योजना, शिशु हितलाभ योजना, बालिका मदद योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, पुत्री विवाह योजना, मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, अक्षमता पेंशन योजना, सौर ऊर्जा सहायता योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, मध्याह्न भोजन सहायता योजना अभी चालू नहीं हुआ, होने वाला है, और चिकित्सा सहायता योजना, आवास सहायता योजना, शौचालय योजना, पेंशन सहायता योजना, ऐसे करके 15 हमारी योजनाएं वर्तमान में संचालित हैं। तो क्या भी कार्य चल रहा है, मीटिंग भी की है, आप कह रहे थे इससे? मैंने विभागीय समीक्षा की है, कहाँ हमारी कमी है, कहाँ हमको ठीक और करना पड़ेगा, इसको कैसे अप करना पड़ेगा विभाग को, और कहीं कुछ हमारे विभाग में अधिकारी कर्मचारियों की भी कमी है तो उसको भी कैसे हम फुलफिल करें, क्योंकि सहयोग, क्योंकि काम बहुत बढ़ गया है। हम लोग जीने से लेके अंत्येष्टि तक देते ही देते हैं। हम जो सेस 1% लेते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे कोई सरकारी भवन हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट का हो, चाहे आपका प्राइवेट भवन हो, 10 लाख से ऊपर जो भी भवन होगा उससे हम 1% सेस लेते हैं, जो कि 4200 करोड़ रुपये हमारे पास है। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कहना है, जिस मद का धन है उसी मद में खर्च होगा। हमसे पूर्ववर्ती सरकारों ने पहले इस मद का धन का भी दुरुपयोग किया है। हम कोई दुरुपयोग नहीं चाहते, क्योंकि उस समय चेक देते थे, चेक में पहले 20-30% ले लेते थे तब देते थे। हमारे यहाँ आप सीधा हमारे अधिकारियों को, हमको भी ये पता नहीं है, RTGS के माध्यम से उसके खाते में चला जाता है। तो ये हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये हम लोगों के साथ बैठ के ये तय किया है कि भाई हम RTGS के माध्यम से यदि लाभार्थी को धन देंगे तो उसमें कहीं कोई दलाली नहीं होगी, क्योंकि बीच में जो मीडिएटर जब घुस जाते हैं तो उससे नुकसान होता है, समाज का भी नुकसान होता है, उस लाभार्थी का भी नुकसान होता है और विभाग पे भी आरोप लगता है। पिछले दिनों एक कैंप लगाया गया था खजांची चौराहे, उसका कोई कैंप अभी तक नहीं लगा, इसके लिए लगेगा। आज मेरी वार्ता हुई है, अभी मैंने ये कहा है कि एक एक MLA को लेके एक एक दिन के लिए 10 दिन में ये तय करके, क्योंकि देखिए मजदूर तो वही गिने चुने लोग हैं और उनमें ही थोड़ा बहुत जो ऐड होते हैं उसी में होते हैं। तो हमने कहा है कि एक बार किसी विधायक को, दूसरी बार किसी विधायक को लेकर, MP को, सबको लेकर, और हम रजिस्ट्रेशन करें, लाभार्थी पैदा करें, लाभार्थियों को लाभ मिले, चूँकि पैसे की कोई कमी, धन की कोई कमी हमारे पास है नहीं। हम उन लाभार्थियों को देंगे तो हमारे
श्रमिक जो है उनका लिविंग स्टैंडर्ड अप होगा तो देश का भी लिविंग स्टैंडर्ड अप होगा। कोई भवन होगा, कोई भवन बनेगा तो उस बिगर श्रमिक के नहीं बन सकते। इस भवन में आप खड़े हैं तो इस श्रमिक के बनाए हुए भवन है, तो देश का कोई भी भवन कैसा भी भवन 10 लाख से ऊपर होगा उससे 1% सेस लेते हैं और उसी को हम वितरण करते हैं, उसी का हिस्सा उसी को हम देते हैं। धन्यवाद।